करोमी मित्राणि अहम आभाजा भवतां समेशाम आकाशवाण्या आयोजिते अस्मिन् संस्कृत वार्ता इति कार्यक्रमे स्वागतम करोमि भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् आकाशवाणी संस्कृतवार्ता वार्ता इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रति सप्ताहं कमपि नूतनं विषयं आदाय तदुपरि चर्चां करोति तर्हि वयम् अद्य संस्कृतभाषायाः अमूल्यनिधित्वस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः तम निधिच आदाय आत्मन गौरवान्विता संस्कृते विज्ञानि विशिष्ट विषय चर्चा क्या सर्व्रथम् अस्मा भी ज्ञात विज्ञानशब्द से तु कस्या विषय विशिष्ट ज्ञान विज्ञान भवति। परम आधुनिक समय यत ज्ञानम प्रयोग माध्यमेन प्रमाणी कर्तुम शक्यते तद् विज्ञानम कथ्यते अनयादृष्ट्या भौतिकम रसायनम जीव विज्ञानम वनस्पति विज्ञानम इत्यादि एव विज्ञान क्षेत्रे परिगण्यन्ते मित्राणि वयम जानीम यदा विश्वस्य अन्धि भागा सभ्यतया संस्कृतेश्च दृष्ट्या पश्चात पदाः तदा भारतं वेदस्य उद्गमस्थलं जातं वेदश्च कः ज्ञानमेव अस्माकं तपस्विनः ऋषयः स्वसाधनया वातावरणे विद्यमानं फलम् आदृष्टं तत्त्वं दृष्टवन्तः अज्ञातं च ज्ञातवन्तः तत्सर्वं च एकत्रीकृत्य मन्त्ररूपेण भाविसन्ततीनां मार्गदर्शनं कृतवन्तः अद्य विज्ञानमपि प्रमाणयति यत् वयं कस्यापि नूतन वस्तुनाह आविष्कृतिम कर्तुम् न एभिक्षमा तदीव तथ्यं संपोषयन् ज्ञानै विज्ञान सम्पन्नाः जनाः ऋषयः इत्याख्याम् प्राप्तवन्तः असत् ऋषयः मंत्रद्रष्टा रहैति अर्थात यत् किमपि सृष्टो पूर्वतः एव विद्यमानं तस्य तथ्यस्य मानवानां समक्षं सा तर्कं उपस्थापनं एव यद्यपि दश निमेष सीमित अवध संस्कृत विशालको कतिपय बिंदवस्थापय शक्या तथा संकेत अहम अर्चा सर्वप्रथमं उत्साह वेदानां सर्व्रथम भवन्तः वेदमोत आश्चर्य यत्र ऋग्वेद सः प्रकाशमन्तं सूर्यं संबोधितयन् मन्त्रोयं तस्य वैशिष्ट्यं वर्णयति तारणि विश्वदर्शतो यूतिस्कडेरसि सूर्य विश्वमाभासिरोजनम अयम् मन्त्रः सूर्यं सर्वोच्च प्रकाशरूपेण वर्णयति प्रकाशस्य गतिं चापि निर्दिष्टति भौतिक विज्ञानस्य

अतः हैनम गार्गी वाचकन भी पाप प्रच्छ याग्यवल केति होवाच यरिदम सर्वम् प्रोतंचा खल्वाप ओतास्चा प्रोतास्ते ति विहारण्यकात् उद्रितस्य अस्य प्रश्नस्य भावार्थहस्ति स्वर्गलोकात् ऊपरी प्रतिब्याह अधः उभयो मध्ये यत्कीमा पिस्ति यच्च भूतम् यच्च भाविम् तद्कैयः ओतप्रोतम् उत्तम यचन महर्षि उक्तवान एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी किम् भवन्तः जानन्ति यत् एव महर्षि कणादः रहस्यं मेम उद्घाटितवान यत् द्रव्यणां अणुवः परमाणुः च भवन्ति अपि च बौद्ध दार्शनिकः नागार्जुनः शून्यवादस्य सापेक्षिकतायाः सिद्धांतस्य च प्रतिस्थापकः आसीत् प्रसिद्धस्य नागार्जुनस्य नाम अवदानि च अपि को नो जानाति यदि वयम किंचित अग्रे गच्छामः तर्हि चतुर्दश सताभ्याम शयनः तरणी इति शब्दोपरि टिप्पणीं कुर्वन् प्रकाशस्य गतिविषये एकं विस्तृतं गणितीय सूत्रं प्रददाति श्रुयन्तां भवन्तः योजनानां सहस्रे द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाडनमो स्तुति अत्र अयन सूर्य वैशिष्ट वर्णयन कथय यहाँ अर्धन सहस्रद द्वयं। योजनादयच ग गच्छति सूरयाय नम नमः आर्यभ्ट पृथिव्या आर्यभट्टः सिद्धांत विसवा यगोल विज्ञान से गणित संबंधित कौशल सूत्रमाध्यमें व्यनक्ति तस्य आर्यटीय अद्भुत ग्रंथ अस्त संस्कृत साहित्य प्रसिद्ध खगोल गणित उल्लेखनीयपेण चंद्रमस व्या चंद्रमस सूर्य से ग्रहण ध्रुवाण तारकाण स्थिति गति चलितवत ते गुरर्चन सिद्धांत चा व्याख्या भास्कराचार्य वराहम पिंगल ब्रह्मगुप्ता श्रीधराचार्य बौद्धायन इत्यादय प्रमुख आसन शुकसूत्रोतूत्र च रचयिता बौद्धायन एव आसी बंधव यदि वो चिकित्सास्त्र विषय जल्म तरी चरखशुश्रुतो नाम को न जाना आयुर्वेद सेमुख चरक संगीता सुश्रुत संगीताच निदानस्य चिकित्सायाश्च प्रणालीं वर्णयति यत् अद्यापि मानं लभते तत्र मोतियाबिंद, हारनिया लिथोटोमी इत्यादि शल्यक्रियायाश्च विवरणं प्राप्यति तत्र शतूपरि एकमिषति 120 शल्योपकरणस्य च अपि उल्लेखः अस्ति महर्षि शुश्रुता प्रथम प्लास्टिक सर्जक पेणा स्वीक्रियते अधुना अग्रे चला ग्रह नक्षदिनांच्या चर्चा कुमार महर्षी लगद ऋग्वेद यजुर्वेद्य वेदांगज्योतषं संगृहीतवान वेदांगज्योतषे ग्रहाणा काल कालगत्यादिनां गणनायाः सूत्राणि प्रदत्ता एक उदाहरणं उपस्थापया

स्फुटरूपेण विद्यम सी भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र चिकित्सा विज्ञान भूगर्भ विज्ञान विमान शास्त्र इदीना अध्ययन कर आधुनिक विज्ञान सह प्रातन ज्ञान योजयित्वा वयम् उत्कर्ष प्राप्त शक्न परम हंत ज्ञान भार क्रिया विना हेतुना वयम शोचनीयां परस्थित आगता अस्याम भाषायाम निहिता नाम निधि नाम उपयोगम विहाय भाषाम इमाम उपेक्षिताम कृतवंत वयम परम अधुना अस्माभि भी प्रतिज्ञा करणीय यत प्राचीन विज्ञानस्य से सार नवीन प्रविधिना अनुसंधान क्या उभयो तुलना क्या यद सारभूत तद जन सम्मुखम आनयिष्या एक साधय आवश्यकम अस्त संस्कृत भाषा या ज्ञानम् अतः अस्माभि संस्कृतम् अवश्यम् एव पठनीयम् संस्कृत भाषा या गहना एव वयम् निर्विवाद रूपेण वक्तुम् स्ट्रक्नुमाहः यतः भारत वर्षस्य प्राचीनतमः निधे एषा एव भाषा अस्ति एशा न केवलम् प्राचीनतमः भाषा अस्ति अस्मात् कारणां संग्रक्षन एक ज्ञान विज्ञान से अक्षयनिधे अस्ती गयन से योग्य अधुना अतः अवत अनुमति याचे पुनः शीघ्र नवीन विषय आदा आगम भेत्व शुभम मंगल पुनर्मिलामः धन्यवाद